चलिए गाइस, आज बहुत बड़ी अपडेट आई है। जिन छात्र ने अगर इंटर और ग्रेजुएशन पास कर ली है, उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। जो पटना हाई कोर्ट के तरफ से जो डाटा एंट्री की वैकेंसी निकल कर आई है, जो स्टेनोग्राफर और कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिस्ट की वैकेंसी निकल कर आई है, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कब से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे, आप सभी से इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नंबर वन में बात करेंगे स्टेनोग्राफर के लिए कितनी सीट निकल कर आई है, तो 129 सीट रखी गई है। और एज की बात की जाए तो एज कितनी रखी गई, तो 18 से 37 साल के छात्र होंगे तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बात करें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, तो क्वालिफिकेशन आप सभी को इंटर ग्रेजुएशन होंगे तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और सैलरी की बात की जाए तो सैलरी कितनी रखी गई है, तो फोर्थ लेवल में आप सभी को सैलरी 25,500 रुपये दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर में कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिस्ट के लिए कितनी सीट निकल कर आई है पटना हाई कोर्ट के तरफ से, तो 30 सीट रखी गई है। और इसके लिए क्या कैटेगरिया रखी गई है, तो दोनों के लिए कैटेगरिया सेम ही रखी गई है। तो बात की जाए तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, तो वेबसाइट नहीं जानते तो www.patnahighcourt.gov.in पर जाकर वहां से ऑफिशियली देख सकते हैं। अब बात करेंगे फॉर्म कब से फिलअप किए जाएंगे, तो मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। कहां से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो ऑफिशियली वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी, वहाँ से आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस आप सभी की सारी डाउट क्लियर इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक कर ले, क्योंकि मोटिवेट होता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने को लेकर आप सभी के लिए। तो हम आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।